इसे भी अभी खराब होना था। समझ भी नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम है। अबे मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अगर गाड़ी ठीक नहीं हुई तो हम क्या करेंगे? अरे यार डरो मत, कोई ना कोई मैकेनिक जरूर मिल जाएगा। दूर दूर तक लोग नहीं है तो मैकेनिक कहाँ से मिलेगा? मिल जाएगा, टेंशन मत लो। हमारी कार खराब हो गई है। अमय चलो मेरे साथ आओ। अमय तुम कहां जा रहे हो? अमय मुझे ये औरतें कुछ ठीक नहीं लग रही, प्लीज रुक जाओ। अमय अब हमें कोई नहीं रोकेगा, आओ मेरे साथ, मेरे साथ आओ। जाओ मैं खुद जाओ।
साथ से मिटा दूंगी। आखिर क्यों कर रही हो तुम ये सब? चली जाओ यहाँ से, वरना ऐसा जलाऊंगी कि राख तक नहीं मिलेगी। क्या नाम है तुम्हारा और क्यों इसके खानदान का नामो निशान मिटा देना चाहती हो? इसके खानदान से जाके पूछो कि रानी मीनाक्षी है कौन। सर जी ये मरो ना है, लगता है बेहोश हो गया। उठो। आप कौन है और यहाँ पे क्या कर रही थी? जी मैं इस हवेली के रखवाले जसवंत जी की पोती हूँ। अम्मी के माँ बाप मुझे बेटी जैसा मानते हैं और जैसे मैंने आग देखी तो मैं भागकर यहाँ आ गई। और ठीक है आइए। बताइए आपका उन औरतों के साथ क्या संबंध है और ये रानी मीनाक्षी कौन है? हमें क्या मालूम रानी मीनाक्षी कौन है सर, और आप तो ऐसे सवाल कर रहे हैं जैसे इस सब की वजह हम लोग हैं। देखिए हर्षवर्धन जी, अगर आप अपनी आवाज नीचे करके बात करेंगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए हम लोग आपके बहुत आभारी हैं कि आपने हमारे बेटे की जान बचाई। हम लोग तो यहाँ पर उसकी सगाई के लिए आए हैं। लेकिन आप लोग अचानक से सही वक्त पर हवेली कैसे पहुंच गए? मारे को पता था, पता था मारे को तन्ने यही सवाल करो। अरे ये लोग अचानक से नहीं आए हैं, प्लानिंग, मैंने प्लानिंग की तब जाके ये लोग यहाँ आए। मतलब यो है छोरो कि जब भी रजवाड़े का कोई इधर आवे है ना तो तेरी उस हवेली में उन काली औरतों का तांडव शुरू हो जावे। दहशत। लेकिन इससे ये कहां साबित होता है कि इस दहशत की वजह हम लोग हैं? ठीक है आपने, इससे ये साबित नहीं होता कि दहशत की वजह आप लोग हैं, लेकिन ये तो इत्तेफाक नहीं हो सकता ना कि जब से आप लोग इस हवेली में आए तब से उस जौहर कुंड में किसी ना किसी को जलाया जा रहा है। चले ठीक है, अगर आप लोग कह रहे हैं कि आप इस बारे में कुछ नहीं जानते तो क्या करें, मान लेते कि आप कुछ नहीं जानते, लेकिन वो लड़की तो इस बारे में बहुत कुछ जानती होगी ना जो वहां हमें हवेली में मिली थी। हम उसी से पूछताछ करते हैं, जल्दी मुलाकात होगी। कौन रणवीर सर? आइए इंस्पेक्टर। या पापा, क्या सही में आपको जौहर कुंड और उन औरतों के बारे में कुछ नहीं पता है? अमय बेटा तुम बहुत थक गए हो, जाओ अपने कमरे में आराम करो। बेटा अपने कमरे में आराम करो। अगर उस मनहूस हवेली को बेचने का लालच नहीं होता ना, मैं पूरे से भी इस रावणगढ़ में कदम नहीं रखता। हाँ, और अगर अमे की होने वाली बीवी राजेश्वरी ही हमारी हवेली को ना खरीद रही होती तो हम आज भाई भाई को मोहताज होते। बस ये सगाई हो जाए, बस किसी तरह से ये सगाई हो जाए तो मैं कभी यहाँ पर कदम भी नहीं रखूंगा, कभी नहीं। मंडर, लोग पास जितनी इन्फॉर्मेशन है ना उतनी हमारे पास भी है, जब तक वो लोग नहीं आ जाते कुछ पता नहीं चलने वाला। आई थिंक यू आर राइट रणवीर। आओ जी, ये बड़े साहब लोग हैं, थारे से कुछ पूछना चाहें। खनी खंबा हुकुम। खमागढ़। आप लोग कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं? हुकुम, हमारा परिवार इस राज परिवार की सेवा तो सदियों से कर रहा है और आज भी हम कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप इस जगह के उस हवेली के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, राइट? हाँ हुकुम। आप ये जौहर कुंड के बारे में कुछ जानते हैं और रानी मीनाक्षी का उस हवेली से क्या रिश्ता है, कुछ बता सकते हैं? ये कौन सी नई बात पूछ दी आपने?
अरे यो बात तो हमने 100 बार पूछी है इनसे, ये क्या बताएंगे? मैं बताता हूँ ना, ये सब कहानियां हैं, अफवाहें हैं ये सब। ऐसा ही कुछ है ना जसवंत सिंह जी? एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, एक्सक्यूज मी, क्या कर रही हैं? सर मेरा नाम समीरा है, मैंने सुना है कि यहाँ पर जौहर कुंड है, क्या ये कहानी सच्ची है? टूरिस्ट हैं? जी सर, मैं टूरिस्ट हूँ। नो रिकॉर्डिंग प्लीज। देखिए जसवंत जी, हम यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि जितनी भी दुर्घटनाएं यहाँ पर घटी जा रही हैं उन सबको रोका जा सके, इसलिए प्लीज आप इस जगह के बारे में, उस हवेली के बारे में, इससे रिलेटेड आप कुछ भी जानते हैं प्लीज हमें बताइए। बात पुरानी है, 1770 की। उस वक्त इस राज के राजा विक्रम राज थे और उनकी रानी थी मीनाक्षी। आप जानती हैं मीनाक्षी, इस राज्य के सबसे बड़े जौहरियों और सुनारों ने दिन रात एक करके इस हार को सजाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपने ये हार खास हमारे सालगिरह के लिए बनवाया है? नहीं, आपके चेहरे पर इस एक पल की खुशी के लिए। आप हमारा प्यार हमारे सिवा किसी और से बांटेंगे तो नहीं ना? क्यों, आपको ऐसा लगता है कि हम आपकी जगह किसी और को देंगे? राजा विक्रमराज, जिस दिन हमारी जगह किसी और ने लेने की कोशिश भी की, उस दिन हम इस हवेली को आग का कुंड बना देंगे। हमारी जगह के जीवन में कोई नहीं ले सकता। आपकी सौगंध हमारे जीते जी, ऐसा कभी नहीं होगा। आपके जीते जी तो नहीं, लेकिन मरने के बाद तो हो सकता है ना? ये पूरा महल और राजा विक्रमराज दोनों ही हमारे होंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारे। एक दिन जब विक्रमराज युद्ध पर गए हुए थे, वृषाली ने उनकी मौत की गलत खबर पूरे राज में फैला दी। रानी मीनाक्षी, रानी, वो हम युद्ध हार गए हैं और राजा विक्रम वीरगति को प्राप्त हो गए। वृषाली की झूठी खबर आग की तरफ फैली। दुश्मनों का हमला होने से पहले रानी मीनाक्षी अपनी दासियों के साथ जौहर कुंड की तरफ निकल पड़ी। मर्यादा की रक्षा करते हुए हम सब अपनी जान लेंगे, हम सब एक साथ जौहर करेंगे।
मीनाक्षी की मौत की खबर सुनकर विक्रम राज का दिल टूट गया और उसके एक वर्ष के बाद उनका विवाह वैशाली से हो गया। फिर मीनाक्षी के जौहर कुंड की दहशत शुरू हो गई। उस राज घराने के एक एक वंशज को मौत के घाट उतारा गया। मतलब यह है कि हर्षवर्धन जी उस राज के वंशज हैं। हाँ हुकुम, हर्षवर्धन के दादाजी ये बात समझ चुके थे, इसीलिए वो रावलगढ़ छोड़कर चले गए। इसका मतलब जब भी उनका कोई वंशज यहां पर आता है, दहशत का खेल एक बार फिर से शुरू हो जाता है। Now I got it. कमांडर, वो जौहर वाली औरतें इसी हवेली में आज से आती हैं और यहीं गायब हो जाती हैं। रणवीर, सारे के सारे राज यहां इसी हवेली से जुड़े हैं। हमें इस हवेली का कोना कोना चेक करना होगा। हाँ हाँ सर जी, करेंगे ना, देख के कोना चेक कर लेंगे। रणवीर, जो कुछ भी हो रहा है यहीं से हो रहा है, इसका मतलब सारे राज यहीं इसी जगह पर छिपे हैं। यहाँ कुछ ऐसा है जरूर जो है भी और हमें दिखाई भी नहीं दे रहा है। कमांडर, अगर वो यहीं जले हैं तो यहाँ कोई निशान तो होना चाहिए, कोई राख वाख या तो कुछ भी नहीं है।